दोस्तों यहाँ से मीठापुर और जैतपुर से जो आपको पीछे थोड़ा सा कट दे रखा था, तो वहाँ से थोड़ा सा और आगे से हम आपको आगे की अपडेट देंगे कि दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे कितना काम हुआ और कितना बचा हुआ। और दोस्तों ये देखिए, ये जो वायर है जो लाइटिंग वगैरह के लिए, पाइप वगैरह ये सारे अभी पड़े हुए और यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है और काम लगभग ख़त्म होता जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जो एग्जिट 11 है, यहाँ से NH 148NA इसका नंबर है और NTPC इको पार्क हरिनगर के लिए यहाँ से आप एग्जिट हो सकते हैं। जो यहाँ से जो एग्जिट का बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, और यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको आगे तक की लेके चलेंगे कि कितना काम हो चुका, कितना बचा है। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलता रहे। और दोस्तों यहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे और आपको लेके चलेंगे। और ये एग्जिट 11 है यहाँ पे, और यहाँ से आप NTPC इको पार्क के लिए और हरिनगर के लिए आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ से अगर बॉम्बे की तरफ से आ रहे हैं, ये सीधा रास्ता बॉम्बे की तरफ से आ रहा है, और यहाँ से अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो दिल्ली की तरफ आप सीधे जा सकते हैं। और आपको एग्जिट लेना है तो यहाँ से एग्जिट भी ले सकते हैं आप। तो इसमें ये अच्छा करा कि बीच बीच में काफ़ी एग्जिट दिए हैं, और आपको अगर एंट्री लेनी है तो आपको यहाँ से एंट्री भी मिल जाएगी। यहाँ से मीठापुर जैतपुर से आपको बॉम्बे की तरफ जाना है तो यहाँ से एंट्री भी मिल जाएगी और आपको एग्जिट भी मिल जाएगी वापसी में। और दोस्तों ये देखिए, दोनों तरफ भी काफ़ी काम हो चुका, और ये इधर भी देखो काफ़ी काम हो चुका। लेकिन इस पर जो बिजली के खंभे काफ़ी पड़े हुए हैं, ये लाइटिंग वाले, और वैसे लाइटिंग के खंभे तो लग चुके हैं लेकिन इसकी वायर वगैरह अभी डली नहीं है। क्यों नहीं डली दोस्तों? ये वायर यहाँ पे काफ़ी, देखो ये वायर के जो पाइप हैं, इन पाइपों के अंदर ही तार डलते हैं, ये अभी काफ़ी डले हुए हैं। तो चलो दोस्तों, इसके आगे आपको लेके चलते रहते हैं और दिखाएंगे आगे तक का काम कितना हो चुका कितना। और ये देखिए, जो वायर होती है, वायर इधर तो दोस्तों डल चुकी है, ये पीली पीली डल रही, लेकिन हो सकता आगे नहीं डल रही। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं और आपको आगे की अपडेट देते हैं। यहाँ से आगे तक का काम दिखाते हुए ले चलेंगे। और ये देखिए, ये लाइटिंग के जो खंभे हैं ये काफ़ी अभी रखे हुए हैं यहाँ पे, और वैसे यहाँ पे बीच में तो लगा दिए गए, और थोड़े से हो सकता आगे जाने हो जिसकी वजह से रुके हुए हैं, लेकिन पीछे भी लाइटिंग का काम काफ़ी हो चुका है। काम तो ही दोस्तों काफ़ी हो चुका है इसका, जो लेन पट्टी वगैरह सारी हो चुकी है और लेन मार्किंग वगैरह सारी हो चुकी है, और जो लाइट कैंसिलेशन है, नॉइज़ कैंसिलेशन और क्रैश बैरियर पे वाइट और ब्लैक पट्टी वगैरह सारे कंप्लीट है दोस्तों। इसमें कोई ऐसा काम नहीं दिखाई दे रहा जो बचा हो, सारा काम कंप्लीट है, सारा लगा हुआ है, और ये लाइटिंग वगैरह भी सारी हो चुकी है। और दोस्तों ये थोड़ा सा, ये बीच बीच में जो तार थे बिजली के जैसे ये हैं, तो इनकी वजह से कभी थोड़ा थोड़ा काम डिले होता चला गया, क्योंकि आगे ये जो खंभे वगैरह जो थे चेंज होने थे, जिनकी वजह से ये थोड़ा काम डिले भी हुआ है। यहाँ भी हुआ, थोड़ा आगे भी हुआ, NTPC पे भी हुआ, उधर भी, और काफ़ी जगह देखा हमने जो लाइट वगैरह खंभे की वजह से काफ़ी दिन तक काम रुका हुआ रहा। ये देखिए, थोड़ा सा हो सकता है दोस्तों आगे बंद हो, ये आगे शायद बंद है, हमें फिर वापसी जाना पड़ेगा यहाँ से सर्विस लेन से आपको अपडेट। लेकिन दोस्तों आपको अपडेट भी देनी ज़रूरी थी, इसलिए हम करीब 1 किलोमीटर के करीब इसमें एक्सप्रेसवे में आए अपडेट देने के लिए। वैसे वो दूसरी वाली लाइन खुली हुई है, देखते हैं हम उस लाइन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि उसमें कैसे जा सकते हैं, क्योंकि बीच का जो जॉइंट है सारा बंद कर दिया गया। और दोस्तों ये पत्थर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि आगे काम चलता होता है तो आम पब्लिक रुकती नहीं है, नहीं तो ये पत्थर इतने भारी होते हैं किसी पे हिल नहीं सकते क्रेन के अलावा, तो इसलिए इनको लगा दिया जाता है। अब ये दोस्तों यहाँ से बंद है, और हमें फिर वापसी जाके कोई सर्विस लेन पे फिर आगे देखते हैं कि आगे हम एक्सप्रेस वे भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों हमें वापसी आना पड़ा, हम शायद देखते हैं कि दूसरी साइड कैसे जा सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, ये तो है कि काम की जो प्रोग्रेस है काफ़ी अच्छी है। कालंदी पे तो अभी काफ़ी रुका हुआ काम है, क्योंकि कालंदी से पीछे भी थोड़ा बचा हुआ, और TND पे भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन जो आगे की प्रोग्रेस है
कालंदी से आगे की वो अच्छी है दोस्तों। और ये तार वगैरह, जहाँ पे तार वगैरह के खम्भे वहाँ पे थोड़ा सा डाउन पोर्शन लिया गया है, जैसे पीछे भी थोड़ा उठा हुआ आ रहा है, इधर यहाँ थोड़ा डाउन है। तो दोस्तों हम थोड़ा सर्विस लेन की तरफ जाएंगे और सर्विस लेन पे आपको उधर की साइड से फिर काम दिखाएंगे। साइड चले थे वहाँ से अपडेट दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे रास्ता बंद कर रखा था। अब हम थोड़ा सा सही रास्ते पे आ गए, अब यहाँ से आपको अपडेट दे रहे क्योंकि वो रास्ता बंद कर रखा था, हमें उसके वापसी आना पड़ा। करीब एक दो किलोमीटर के करीब राउंड लेके हम फिर उस पर जो जाने वाली सड़क है उसी की अपडेट दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो वाला रास्ते पे हम चल रहे थे पहले, अपडेट दे रहे थे तो वो बंद हो गया, बंद था रास्ता, तो इसी वजह से हमें थोड़ा घूम के आना पड़ा। क्योंकि हम सर्विस लेन की आपको अपडेट नहीं देना चाह रहे, हम देना चाह रहे हैं कि प्रॉपर जो काम हुआ है उसका प्रॉपर काम दिखा दिया जाए, और जो एग्जिट एंट्री पॉइंट है वो भी सब आपको दिखा दिया जाए। इसी वजह से हमने 2 किलोमीटर का राउंड लगाया और आपको दिखाने के लिए, ये देखिए किसी इंजीनियर ने, यहाँ पे इंजीनियर वगैरह जो लगे हुए, जो उस पर लेन पट्टी वगैरह का जो इस तरह का कोई काम हो, ये देखिए दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन बोर्ड यहाँ से दो गायब है। तो इसी तरह थोड़े थोड़े काम है इसमें वो चल रहे हैं, और इधर भी थोड़े से टेलीफोन उसके दोस्तों, इस पर अभी स्ट्रीट लाइट के जो खम्भे हैं यहाँ भी काफ़ी पड़े हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों हम इस पर अब चल रहे हैं अपडेट देते हुए। वैसे आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो इसका मतलब कहीं पे एग्जिट या एंट्री है, जिसकी वजह से ये गाड़ी आगे चल रही है। ये जो देखो यहाँ पे सर्विस लेन थोड़ी सी कम हाइट है, आम पब्लिक आराम से चढ़ सकती है, ये देखिए कितनी कम हाइट है, और कहीं पे काफ़ी हाइट है। ये देखिए ये सर्विस लेन है, और सर्विस लेन पे भी दोस्तों ये जो ग्रिल वगैरह है वो सारी लगा दी गई हैं, और सब लोगों ने अपने हिसाब से उस ग्रिल को थोड़ा थोड़ा खोल लिया, नहीं तो ग्रिल तो पूरी प्रॉपर लगाई थी, अपने हिसाब से सबने कटिंग करके इसको खोल दिया। और दोस्तों काफ़ी दूर तक स्ट्रीट लाइट वगैरह और ये लेन पट्टी वगैरह, क्रैश बैरियर, ये सब कंप्लीट है दोस्तों। करीब हमने मीठापुर जैतपुर पे जहाँ एंट्री थी वहाँ से हमने आपको अपडेट देनी शुरू करी, लेकिन वहाँ से लेके यहाँ तक वैसे काम क्या लगभग सारा कंप्लीट ही है, ये छोटा मोटा काम बीच बीच में जगह जगह चल रहा है। और दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे जैसे रॉन्ग साइड कोई आ जाता है तो जगह जगह हमने देखा ट्रैफिक पुलिस वाले भी काफ़ी खड़े रहते हैं नीचे सर्विस लेन पे, क्योंकि अभी एक्सप्रेस में बन रहा तो कहीं रॉन्ग साइड बहुत लोग वाक चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो सर्विस लेन हाइट ले गया, अब ये धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, हो सकता है दोस्तों अब आगे जाके एलिवेटेड स्टार्ट हो जाए। और जहाँ पे हम शायद हैं इस समय, वैसे ऊपर से पता नहीं लग पाता दोस्तों, ये शायद मीठापुर चौक है लगभग, और दोस्तों इधर से पता लगेगा मीठापुर और जैतपुर के लिए आप यहाँ से 500 मीटर पे एग्जिट कर सकते हैं, और एग्जिट संख्या है 10, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वो एग्जिट 11 थे और ये एग्जिट 10 पे, इससे उल्ली तरफ एक और एग्जिट है दोस्तों। जब आप वहाँ से बॉम्बे की तरफ से आ रहे होंगे तो आप यहाँ पे मीठापुर जैतपुर के लिए एग्जिट 10 पे भी कर सकते हैं, और एक मीठापुर जैतपुर के लिए एग्जिट 11 पे भी ये एग्जिट हो सकते हैं आप, और दिल्ली आप सीधे जा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए हम एक काम कर रहे हैं, ये बिजली का काम कर रहे हैं, ये बिजली के तार का, और ये देखो ट्रैक्टर में बिजली के पाइप रख रखे जो आप इनको ही फिलाते जा रहे हैं, ये नीला नीला जो पाइप फिल रहा है इसको, ये इस पाइप को धीरे से उसमें डाल देंगे। और ये देखिए ये टर्न के लिए आपको राइट टर्न मुड़ना है, आगे जाके ये थोड़ा सा मुड़ रहा है एक्सप्रेस वे, और तो दोस्तों इस पर बोर्ड वगैरह भी ये लग चुके हैं KM13। तो दोस्तों इस पे हमने अधिकतर
वैसे अपडेट ऊपर की भी काफ़ी दी हैं, नीचे से ज़्यादा दी हैं, लेकिन इस बार हम इसको आपको ऊपर की अपडेट दे रहे हैं। और दोस्तों खैर ऊपर से इतना पता नहीं लग पा रहा कि हम कहाँ पे, सेक्टर 37 की तरफ मुड़ता है, यहाँ से पुल पे से हमने खड़े होकर काफ़ी बार आपको अपडेट दिए इस पुल पे से। तो दोस्तों ये सेक्टर 37 की तरफ यहाँ से मुड़ गया है थोड़ा पीछे से, ये देखिए इस तरह ये वहाँ से सीधा आ रहा था, यहाँ से थोड़ा सा मुड़ गया है। अब मुड़ने के बाद दोस्तों ये अब थोड़ा सा आगे चला गया, अब फिर आगे जाके फिर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा ये, तो ये सेक्टर 37 की तरफ अब मुड़ यहाँ से मुड़ चुका है, पहले सीधे आ रहा था अब थोड़ा मुड़ गया, अब यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा ये मुड़ जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा काम है और हमें भी लगभग देखा जाए तो 95% के करीब तो काम हो चुका है, 90% के का करीब, थोड़ा 10% ही समझ लो छोटा मोटा, बाकी जो मेन काम था सड़क वगैरह का, लाइटिंग वगैरह का, क्रैश बैरियर, नॉइस कैंसिलेशन सब लग चुके हैं, और जो छोटे मोटे लाइटिंग का, जैसे लाइटिंग के थोड़े तार अभी डल रहे हैं पीछे से डलते हुए आ रहे हैं, तो उन्हीं का काम बचा है और काम की प्रोग्रेस अच्छी है। और इस समय हम सेक्टर 37 पे हैं, क्योंकि ऊपर से हमें पता नहीं लग पाता था, हम नीचे से अपडेट देते थे तो वहाँ से पता लग पाता था, और यहाँ से हम बिल्कुल सीधे आपको देते हुए चल रहे हैं। और दोस्तों देखेंगे जहाँ तक भी कोशिश होगी आगे तक आपको अपडेट देंगे जहाँ तक भी। और दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर देखने में स्किप कर कर देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा वॉच टाइम वगैरह भी कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाई जाए तो वो अच्छा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा अप डाउन हो गया और ये पीछे का सीन है। पीछे भी कोई नहीं है दोस्तों, इसको काफ़ी दूर से हम करीब 2-2.5 किलोमीटर से हम अपडेट देते आ रहे हैं, पीछे कोई नहीं मिला और आगे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों हमें आज इसलिए खुशी हो रही है कि हम ऊपर से अपडेट दे रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए पल्ला गाँव के लिए आप, ये आपको देखो साइन बोर्ड लग रहा है, इस पर देख सकते हैं, ये हम आपको जूम कर देते हैं, पल्ला गांव के लिए आप लेफ्ट मुड़ सकते हैं और अशोका इंक्लेव के लिए आप राइट मुड़ सकते हैं, नीचे से सब्बे के नीचे से एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे जाके एक पल्ला गांव है, पल्ला गांव के लिए और अशोका इंक्लेव के लिए आप नीचे सब्बे से राइट को टर्न ले सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सूम साम, इधर से कोई नहीं है ना पीछे ना इधर, और करीब 2-2.5 किलोमीटर तक कोई पीछे दिखाई नहीं दिया दोस्तों। और ये भी देखिए इधर भी कोई भी नहीं है दोनों साइड, और हम आपको अपडेट देते हुए थोड़ा आगे तक जा रहे हैं। ये देखिए दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ का जो सड़क का काम है पूरा कंप्लीट हो चुका, कोई काम ऐसा नहीं है बिल्कुल बचा हुआ, और कोई ऐसा नहीं है जैसे कि कोई गंदगी वगैरह भी हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई ऐसा नहीं है, इसमें लेन पट्टी वगैरह सारी कंप्लीट है। और इधर नीचे सर्विस लेन भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सर्विस रोड भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये देखिए ये सर्विस रोड है। और शायद हो सकता है दोस्तों ये अशोका इंक्लेव हो जिसके लिए राइट टर्न के लिए मुड़ने कह रहे हैं, ये भी कोई फ्लैट वगैरह बने हुए और नाम तो इनका नहीं मालूम। और दोस्तों ये देखिए पल्ला गांव के लिए आप यहां से जा सकते हैं। दोस्तों जो रास्ता था ये पल्ला गांव के लिए आप इधर से मुड़ सकते थे, इस पर लिखा ग्राउंड पल्ला 0 किलोमीटर, तो दोस्तों यहाँ से आप पल्ला गांव के लिए जा सकते हैं। और आज की जो वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और दोस्तों आगे की जो वीडियो आपको नेक्स्ट अपडेट देंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देंगे दोस्तों। और दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आपने मेरी पूरी वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है दूर से, और इधर भी काफ़ी दूर से। और दोस्तों वैसे आज अपडेट देने में थोड़ी सी अच्छी खुशी भी हुई, क्योंकि काम अच्छा प्रोग्रेस मिल गया और दिखाने को भी कुछ मिला, क्योंकि हम काफ़ी दिन से इधर आ नहीं रहे थे। हमारे पास कमेंट भी काफ़ी आ रहे थे कि आप दिल्ली बॉम्बे के एक्सप्रेस पे की अपडेट नहीं देते। एक दोस्त का हमारे काफ़ी कमेंट आ चुके कि दिल्ली देहरादून की आप काफ़ी अपडेट देते और दिल्ली बॉम्बे की आप अपडेट नहीं देते। तो चलो दोस्तों आज की अपडेट हम यहीं तक रखेंगे और आगे की जो अपडेट है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और दोस्तों आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।